आप सभी ने राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में नहीं सुना होगा। तमाम ऐसे लोगों को जानकारी नहीं होगी। मैं आप सबको ले चल रहा हूँ राधा और कृष्ण का जहाँ पर विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने साक्षात जो है राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। अगर देश भर के कोने कोने से आप वृंदावन आ रहे हैं, कुंभ स्थल में आ रहे हैं, तो भांडीरवट जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था वहाँ नहीं आते तो आपका कुंभ जो है, कुंभ की यात्रा जो है वो थोड़ी अधूरी होगी। यहाँ से आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यही एक रास्ता है जो भांडीरवट की तरफ जाता है और जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आप सबको जानकारी दूंगा। तो चलिए आप सबको कराता हूँ आज भांडीरवट की यात्रा। क्या परंपरा है, क्या मान्यता है और क्यों लोग जो है देश विदेश से यहाँ चले आते हैं। हमारे साथ में है पांडव सखा जी और मैं उनसे जानकारी करूंगा और जिससे देश और दुनिया तक ये स्थल के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। तो प्रभु जी, इसकी मान्यता क्या है, यहाँ लोग क्यों देश विदेश से चले आते हैं? हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक्चुअली वृंदावन में ऐसा बताते हैं, मथुरा वृंदावन में ब्रज में कि 12 वन है जी। तो वृंदावन उसमें से एक वन है जी। उस तरह से जो है भांडीर वन 12 वनों में से एक वन होता है जी। ऐसे ही बहुत सारे वन हैं। सो अलग अलग वनों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं जी। सो इस भांडीर वन में भी जो है भगवान का बहुत ही प्रोमिनेंट कुछ लीलाएं हुई हैं जी। उनमें से एक जो है जो स्पेशल है वो राधा कृष्ण का विवाह जी यहाँ पे हुआ है। सो हमें जनरली हमको पता है कि कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ जी। और कैसे वो राधा जो है कृष्ण के साथ रासलीला में भाग ले रहे हैं। तो लेकिन जो है शास्त्रों में बताया है, स्पेशली गर्ग संहिता में बताया गया है कि यहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने खुद ही संपन्न कराया था जी। सो आप यहाँ पे देखेंगे ये वट वृक्ष है मेरे पीछे और इस वट वृक्ष के नीचे ही जो है ब्रह्मा जी का मूर्ति है और राधा कृष्ण का विवाह करा रहे हैं। सो सारे देवी देवता यहाँ पे आए थे और उन्होंने राधा कृष्ण का विवाह कराया, क्योंकि राधा कृष्ण जो है वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो भगवान और भगवान की शक्ति है। तो भगवान और भगवान की शक्ति को अलग नहीं कर सकते हम लोग। तो इस भौतिक लीला में वो जो है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में आए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वैसे वो भगवान और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान उनकी शक्ति में। सो लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे जो है जो संबंध होता है वो मैरिज, उस तरह का जो रासलीला वाला संबंध है वो मैरिज की तरह ही है जी। तो इसलिए जो है राधा कृष्ण का विवाह यहाँ पे देवी देवताओं ने कराया। तो इसलिए जो है ये बहुत प्रसिद्ध है और बाहर से भी दुनिया से लोग आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आप देखेंगे यहाँ पे जो है आते हैं और यहाँ पे उसका लीलाओं का आनंद लेते हैं। दोस्तों अब मैं ले चल रहा हूँ आप सबको विग्रह दिखाने के लिए, वो विग्रह जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने साक्षात आपको विवाह कराया था, वो विग्रह आपको दिखाएंगे। अद्भुत विग्रह है, उसे देखेंगे राधा और भगवान श्री कृष्ण को तो आप भी मोहित हो जाएंगे। और जैसा धर्म अध्यात्म में बताया गया है और जगहों पर बताया गया है, राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था लेकिन ब्रह्मा जी ने साक्षात जो है विवाह कराया था। और आइए वो मनमोहक विग्रह जो है भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी का, वो विग्रह आपको दिखाता हूँ और आप जरा जूम करके दिखाइएगा कि कैसे विराजमान है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी साक्षात बैठे हुए हैं और राधा रानी विवाह के लिए जयमाल लिए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हैं एक दूसरे को जयमाल करते हुए। तो ऐसा ये बताया जाता है कि बहुत बचपन में जो है ब्रह्मा जी ने राधा और रानी का विवाह कराया था एक ऐसा स्थल। और अब इसके बाद यहाँ मंडप कहाँ पर सजाया गया था, जहाँ पर मंडप में सारे कार्यक्रम हुए थे, मैं वो आपको दिखाऊंगा कि मंडप कितना अच्छा है।
ये देखिए ये मंडप है जहाँ पर राधा रानी का मंडप बनाया गया था और विवाह के सारे कार्यक्रम यहाँ पूरे हुए थे। ये देखिए चार शिखाएं लगी हुई हैं कि जैसे मंडप में चार जगह हम बनाते हैं और मंडप में फिर जो है ऊपर उसको छप्पर से जैसे गांव में देहात में करते हैं, अच्छा सा सजाते हैं पुराने समय में, उसी तरह से ये मंडप बना हुआ है। अब यहाँ से मैं आप सबको ले चलूँगा कि जहाँ पर फेरे हुए थे, सात फेरे यानी सात वो फेरे लगाने के बाद सात वचनों में राधा रानी बंधी थी, उसको मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए राधा रानी यहाँ पर, ब्रह्मा जी यहाँ पर भी विराजमान है, ब्रह्मा जी की मूर्ति प्रतिमा यहाँ विराजमान है, यहीं पर जो है फेरे हुए थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी लिए हुए हैं, राधा रानी कमल का फूल हाथ में लिए हुए हैं और यही जो है फेरे का स्थान है जहाँ पर सात फेरे लिए गए थे। तो जैसा कि पौराणिक कथाओं में तमाम जगहों पर वर्णन नहीं है कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था, ऐसा स्थल जहां पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था और यहां से जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसके बारे में शायद आपको भी जानकारी नहीं होगी। आप यहां देख रहे होंगे इसका जो विकास कराया है ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कराया है और इसी के पीछे एक बड़ा सा विशाल सा कुआं है। इस कुएं के बारे में मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से इस कुएं को उत्पन्न किया था और ये कुआं इतना ज़्यादा पवित्र है कि इस कुएं में सारे तीर्थ स्थल की नदियों का जल इस कुएं में है। बड़ा विशाल कुआं है, आप देखिए इसकी धार्मिक मान्यता ये देखिए कि अभी भी तमाम ऐसे कुएं हैं जो खत्म हो गए हैं, जो समाप्त हो गए हैं, लेकिन इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है। सोमवती अमावस्या के दिन इसकी बड़ी मान्यता है, सोमवती अमावस्या के दिन ये जो स्थल है वो तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, देश और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं और इसी कुएं से फिर स्नान करते हैं और जो जल है चारों तरफ का एकत्र होता है और ये जो आप देख रहे होंगे जो कुंड बना हुआ है इस कुंड में एकत्र होता है, जो जल इकट्ठा होता है तो इसी कुंड के पानी से महिलाएं स्नान करती हैं। इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि जिन भी महिला को बच्चे नहीं होते हैं या उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वो इस कुंड में अगर स्नान कर लें तो उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इसीलिए दूर दूर से महिलाएं इस कुंड में स्नान करने के लिए आती हैं। दूसरा ये कुआं जो है यहाँ पर सखियाँ जो थी राधा रानी की, अलग अलग आप देख रहे होंगे ये आठ सखियाँ थी, वो आठ सखियाँ यहाँ से पानी खींचने का काम करती थी, पानी खींचती थी, राधा रानी इसी से स्नान करती थी। आप साथ में इधर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर सातियाँ लगी हुई है गोबर से। इसका महत्व ये है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण मुकुट बनाते थे तो कभी कभी वो गोबर से भी श्रृंगार कर लेते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत ज़्यादा प्यारी थी और गौ माता को माँ मानते थे तो गोबर से स्नेह के रूप में वो श्रृंगार कर लेते थे। तो लोग यहाँ पर आते हैं और गोबर से वो स्वास्तिक करते हैं, श्रृंगार बनाते हैं और इसकी मान्यता ये है कि जो सातियाँ यहाँ बनाता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो ये भगवान श्री कृष्ण का मुकुट भी दिखाई दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण का गोबर से बना हुआ मुकुट जो है यहाँ लोग बना देते हैं और ये मुकुट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये स्थल जो है ब्रज के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। तो अगर आप ब्रज के कुंभ में आते हैं यानी वृंदावन के कुंभ में आते हैं, अभी चार कुंभ आपको मालूम है लेकिन वृंदावन का कुंभ कैसा होगा उसके बारे में अगर आप भांडीरवन नहीं आएंगे तो जानकारी वो आपको नहीं मिलेगी। वृंदावन में लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते नाचते आपको दिखाई दे जाएंगे। इस्कॉन मंदिर जहां पर अंग्रेजों की भक्ति देखते बनती है, हरे रामा हरे कृष्णा की भक्ति में वो आनंद में झूमते नजर आते हैं। मगर भांडीरवट की भक्ति भी कुछ कम नहीं है, यहां पर युवाओं की टोली राधा कृष्ण की भक्ति में मस्त और झूमती नजर आती है। आइए देखते हैं कि युवा कैसे झूम रहे हैं, कैसे मस्ती में और भक्ति में लीन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण।